सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसे ही ये पता चला है कि एनसीटी ने एनआईओएस से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षकों को भी शिक्षक भर्ती और यूपी टेट में शामिल करने को कहा है, तभी से बहुत सारे प्रशिक्षु जिन्होंने रेगुलर डीएलएड कोर्स किया है, जिन्होंने बीटीसी किया है, वो बहुत परेशान थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को मौका नहीं, यानी कि ना तो वे यूपी टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ना ही वो सुपर टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, इसमें से किसी में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा बताया गया है। आपको पता है कि जो यूपी टेट का एग्जाम है, चाहे सुपर टेट का एग्जाम है, वो पीएनपी के द्वारा ही कराया जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो आप लोग देखिए, मार्च में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीटी 2020 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें एनआईओएस से डीएलएड करने वालों को शामिल नहीं किया गया है। ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था वीडियो के माध्यम से कि पीएनपी की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है यूपी टीईटी के लिए, और उसमें कहीं भी एनआईओएस से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षुओं का जिक्र ही नहीं है जीओ में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने यह कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में मान्य किया है, लेकिन यूपी टीईटी में यह कोर्स मान्य नहीं है। यूपी टीईटी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने वाले ही अर्ह हैं, जबकि एनआईओएस का डीएलएड केवल 18 महीने का पत्राचार कोर्स है। वही डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का तर्क है कि वे पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 6 महीने स्कूल में शिक्षण नहीं कराने के कारण उन्हें 18 महीने का कोर्स कराया गया है। यदि पहले से कोई निजी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसने एनआईओएस से डीएलएड कर लिया है, तो क्या सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं बन सकता? इन अभ्यर्थियों ने टीटी से बाहर करना नाइंसाफी है, इस तरीके से कहा। यूपी में तकरीबन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने एनआईओएस से डीएलएड किया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा स्पष्ट रूप से ये बताया जा चुका है कि 2 साल का कोर्स अगर होगा, 2 ईयर का, तभी हम वैलिड मानेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड, जो 2 साल के कोर्सेज हैं, इन्हीं को वैलिड माना गया है। जब जीओ में है ही नहीं 18 माह का कोर्स, तो किस तरीके से एनआईओएस वाले जो प्रशिक्षु हैं उनको शामिल किया जाएगा? तो आप समझ सकते हैं, ना तो ये प्रशिक्षु अभी फिलहाल यूपी टेट में ना ही बैठ सकते हैं और ना ही सुपर टेट में। अगर यूपी टेट में नहीं बैठ सकते तो सुपर टेट में कैसे बैठेंगे? तो कहीं ना कहीं अभी केवल केवल एनसीटी ने ये बताया है, एनसीटी ने ये गाइडलाइन जारी की है। अब हर एक राज्य के ऊपर है कि वो राज्य इनको मौका देते हैं या फिर नहीं, यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में भी। दोस्तों, इस तरीके से जो जीओ आता है यूपी टेट का, उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें मेंशन होती हैं कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए, तभी वैलिड होगा आपका यूपी टेट का अंक पत्र, यानी कि तभी आप कहीं उसको लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी तो फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एनआईओएस को शामिल कर लिया गया है या उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, खासकर ऐसे प्रशिक्षु जिन्होंने रेगुलर कोर्सेज किए हैं, स्वाभाविक सी बात है वो परेशान होना भी उनका, क्योंकि इतने सारे पैसे माता पिता के खर्च होते हैं उनके। इसके अलावा 4-4 बार टीचिंग लगती है, 4-4 बार एक्सटर्नल एग्जाम होता है, 4-4 बार इंटरनल एग्जाम होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षु लगातार 2 साल की ट्रेनिंग लेकर के, कड़ी ट्रेनिंग लेकर के डीएलएड कंप्लीट करते हैं, बीटीसी कंप्लीट करते हैं, तो चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। दोस्तों, आप लोगों के यूपीटेट की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस हमने 3 से 4 सब्जेक्ट का सिलेबस भी बता दिया है, आप सिलेबस को देखिए, और फिर हम क्लासेस भी आप लोग की रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे देखते रहें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आप चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाते रहेंगे। दोस्तों, प्लीज आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। बाकी यूपी टेट और सुपर टेट सबकी तैयारी हम चैनल पे करवाने वाले हैं और करवा रहे हैं। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।